सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो काफी दिनों बाद मैं वापस आ गया और एक वीडियो लेके। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, मतलब ये वीडियो कोई पबजी रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियो है। तो आज मैंने, यानी कि पता नहीं ये वीडियो कब पोस्ट होने वाला है, इसलिए मैं डेट बता देता हूँ। आज है 2 नवंबर 2019। तो 2 नवंबर 2019 में मैंने इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट किया था, जो कि मैंने खींचा था, मतलब ट्राइपॉड से मैं खुद खींच लेता हूँ आजकल फोटो मोबाइल व्यू से, और एडिट मैं तो एडिट करता ही हूँ भाई। और तो हाँ, बात कुछ ऐसा है कि ये वीडियो एक लाइट रूम प्रीसेट के बारे में बात करेंगे हम लोग। और उससे भी पहले, अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम में, तो फॉलो कर ले। मेरा आईडी है OASanjit, OYESANJIT, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नहीं तो यूजर नेम इन द डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर पॉपअप हो सकता है, मतलब हो रहा है पॉपअप। ओके, सो बात कुछ ऐसा है कि मतलब ये जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक मकसद से है जो कि लाइट रूम प्रीसेट के ऊपर है। तो ये वो प्री जो मैं फोटो में यूज़ किया हूँ, जो फोटो में यूज़ कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, फोटो आप साइड में देख सकते हो। और रदर देन ये प्रीसेट मैंने खुद बनाया, वो भी अपने फ़ोन में बनाया, कंप्यूटर से हेल्प नहीं लिया, अपने फ़ोन में बनाया लाइट रूम प्रीसेट से। अगर कोई ये प्रीसेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर ना लगता है तो लाइक करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सेम प्रीसेट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर में, पीसी में, सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेम क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडर, मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्लाइडिंग आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो अगर आपको प्रीसेट डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पर होगा फॉर फॉर मोबाइल एंड फॉर पीसी। तो मोबाइल के लिए मैं DNG दे दूंगा और पीसी के लिए मैं प्रीसेट ही दे दूंगा। DNG अगर आप नहीं जानते हो तो ये मोबाइल के लिए एक तो फोटो होता है, DNG फोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ 3 डॉट में क्लिक करके उसका कॉपी सेटिंग कर सकते हैं। फिर आपने फोटो खोल के वहाँ पर फिर 3 डॉट में क्लिक करके आपको पेज सेटिंग करना पड़ता है, तो प्रीसेट अप्लाई हो जाता है। और कंप्यूटर में कुछ ऐसा है कि आपको मतलब नोकल डी लाइटरूम का जो ड्राइव फोल्डर है, ड्राइवर फोल्डर से वहां पर खोल के, वहां पर जाके आपको प्रीसेट का फोल्डर में जाके वो प्रीसेट को पेस्ट करना होता है, और फिर आपका जो एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर का, उसमें आपका प्रीसेट में प्रीसेट का ऑप्शन में जाना पड़ता है, फिर आपका वो प्रीसेट दिख जाएगा वहां पर, जो मोबाइल में काफी यूजफुल है, मतलब काफी ईजी है। तो मोबाइल को मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, और कंप्यूटर में दिखा देता हूँ कैसे आपको प्रीसेट उसको यूज करना है और डाउनलोड कैसे करना है और कैसे उसको पेस्ट करना। और मोबाइल इजी है, और एक बार बता दूं आपको, जो फोटो मैं देने वाला हूँ DNG फोटो, उसको आप डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, मैं गूगल ड्राइव में देने वाला हूँ। और डाउनलोड करने के बाद उसको इंपोर्ट करें अपना लाइटरूम मोबाइल पे, फिर उसको एडिट एडिट में जाके 3 डॉट में क्लिक करके कॉपी सेटिंग करना है, उसमें से ज्योमेट्री एंड टूल्स को अनचेक करके आप पता लग जाएगा, आप जब करेंगे तो ज्योमेट्री और टूल्स भी आएगा उसमें, उसमें बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, उसको चेक ना करें, क्योंकि अगर चेक करते हो तो फोटो क्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मैंने फोटो को क्रॉप किया है लाइटरूम में, तो उसे ना करें। और उसको फिर आपने फोटो में पेस्ट कर दे, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। और ये भी डिपेंड करता है आपका लाइटिंग कंडीशन, तो ट्राई करें। जो मेरा फोटो का जो ऑरिजिनल मेरा जो ऑरिजिनल फोटो है वो भी दिखा दूंगा, जो ये रहा, ऐसे ऐसे टाइप का अगर लाइटिंग हो तो सेम एकदम रिजल्ट पूरा सेम आएगा, और थोड़ा लाइटिंग डिफरेंट हुआ तो, अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा एपेचर, आई मीन एक्सपोजर हाईलाइट्स को मैच करके ट्राई टू मेक द सेम फोटो लाइक माई वन, अदरवाइज यू कैन अप्लाई, बट रिजल्ट विल लिटिल बिट डिफरेंस, बट दैट नॉट्स अ बिग इशू, और यू कैन चेंज इट मैनुअली। और बात कुछ ये है कि ये जो इफेक्ट, इफेक्ट का नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद क्रिएट किया हुआ और मुझे नाम अभी तक नहीं दिया हूँ। ये कुछ गोल्ड गोल्डी गोल्डन मोडी फेडेड का होगा कुछ, तो खैर बात कुछ ऐसा रहा। और फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम में, इंस्टा आईडी और इन द डिस्क्रिप्शन, एंड लेट्स मूव टू द कंप्यूटर ट्यूटोरियल, कैसे उसको डाउनलोड करना है और कैसे कंप्यूटर में प्रेस। सो गाइस, मैंने रिकॉर्ड किया था पर पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड क्यों नहीं हो गया, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये दो फाइल मिलेगा, अपना कंप्यूटर वाला डाउनलोड करके कोई भी फोल्डर में रख दें, और फिर देखता हूँ, फिर अपना लाइट रूम खोल ले। लाइट रूम खोलने के बाद अपना फोटो इंपोर्ट कर ले। मैं हालांकि पहले ही इंपोर्ट कर चुका हूँ। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो प्रीसेट्स का टैब, वहाँ से कोई भी प्रीसेट में क्लिक करके, आई मीन राइट क्लिक
राइट क्लिक करके शो एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। तो ध्यान रखें यूज़र प्रीसेट में जाना, ये जो लाइटरूम का डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है उसमें ना जाना, उसमें नहीं होगा। सो देख लो यहाँ गाइस, मैं कोई क्लिक करके शो एक्सप्लोरर में चला जाता हूँ। तो यहाँ सो जो ये फोल्डर खुला है इसमें जितना भी लाइटरूम का प्रीसेट है सारा का सारा प्रीसेट यहाँ पर आ जाता है। तो जो प्रीसेट मैंने आपको दिया उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे वहाँ पर, हालांकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, लास्ट वाला देखो मेरा ही है। तो प्रीसेट ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप एक बार लाइट रूम को बंद करके फिर से रिस्टार्ट कर ले। तो फिर आप बात करते हैं, फिर आप बात करते हैं एडिटिंग में। अगर अपना फ़ोटो जो कोई भी फ़ोटो आप इंपोर्ट कर लो, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिर इधर मैं कुछ नहीं छेड़छाड़ करूँगा, मैं सिर्फ प्रीसेट्स अप्लाई करूँगा जो कि मेरा ये गोल्ड मोड़ी इफेक्ट, उसमें क्लिक कर देता हूँ। तो सी गाइस, बूम हो गया बस। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता तो लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आता तो शेयर करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ, जिसका नाम है @SlashOASanjeet। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।